सदरां दे बूहे वे मैं तेरे लई खोले, हो भी ना तू कदी हुण अखियां तू ओले। गाइस मुकाबला जो है बड़ा क्लोज हो गया, आपके भाई को आ गया गुस्सा। हसन अली सिंगल का लैग मैं देंगा। चलो जी नौ दस ग्यारह बारह स्लाइसिस है, दस हजार ज्यादा करा लेने, खादे नहीं जाने, छे करा लेंगे। तो भाई साहब हम आ गए हैं चिका चीनो चाय पीने के लिए। तो गाइस आज के व्लॉग में हम मिले रिजवान भाई से, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जो कि आजमाइश ड्रामे का ओएसटी नस कैफे बेसमेंट में तू मेरा नहीं, लाइयां लाइयां और भी बहुत सारे गाने गा चुके हैं, द मैन विद द गोल्डन हार्ट रिजवान अनवर। तो चलें इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बशी व्लॉग्स एमके विद न्यू वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं मरी से वापस आ गए हैं और नेक्स्ट हम इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। अब हमारा मेगा जोन का टूर है और बड़े प्यारे भाई रिजवान अनवर हमें ज्वाइन करेंगे और मिलते हैं आप थोड़ी देर में उनके साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, आप कैसे हैं भाईजान? मैं भी ठीक, तुम बताओ? बड़ी देर बाद आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा। गुड टू सी यू। चले अंदर, चले अंदर। सीन बॉलिंग का सीन था तो सोचा आपको भी बैटिंग भी अंदर करेंगे जाके। इतना कमजोर हो गया है, ताले का नहीं मिलता है, बस पेट खराब हो गया। बस लूज मोशन में बैठ ही आ गया। अच्छा क्या सीन है? तो गाइज हम मेगा जोन F9 में मौजूद थे, जहाँ पे हम आए थे बॉलिंग करने, और बॉलिंग में ये पर पर्सन 1000 चार्ज करते हैं और उसके हिसाब से आपको एक एंट्री कार्ड बना के दिया जाता है। मेरा जहन था कि बॉलिंग से पहले स्केटिंग भी कर ली जाए, लेकिन सब ने कहा बॉलिंग ही करते हैं। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं बॉलिंग के लिए, ये एनवायरनमेंट है इधर की और अब हम यहाँ पे बॉलिंग करेंगे। बॉलिंग के लिए विदाउट शूज या इनके स्पेसिफिक शूज पहनने पड़ते हैं। ओ मेरा नाम है भाई, वो तरतीब ना चली जा भाई, उधर आओ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो गाइस अब सेकंड टर्न है और आई विल ट्राई दिस टाइम ब्लैक वन। Not bad. Hasan Ali. Gando.
घर जा के आ लैपटॉप हो गया फिर है। ओ जी ओ ओ जी ओ गुड 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 ये करके दिखाओ। बहुत ऊपर चला गया हूं। नो बाल भाई आपको पाव आ गया था। नो बाल ये गड़बड़े बाबा। गाइस मुकाबला जो है बड़ा क्लोज हो गया। आपके भाई को आ गया गुस्सा और गेंद रख ली है बाबा जी। मैं गेंद तेज कर ली। मजा आया ये करके दिखाओ। चले चले बिलाल भाई चले। ओ सिंगल भाई ओ लग गया लग गया। अच्छा ये मैं इसको 5000 का कैश दूंगा। ये देख ले ठीक है। और ये 3 बॉल से 1 शॉट बड़ी इम्पॉसिबल गल तो शर्त लाई है। चलो जी चलो जी। चल रहा है गाइस और 8वें राउंड तक 98 पॉइंट्स मेरे हैं और 48 बिलाल के, 31 फाइक के और 53 हैदर के। तो आगे देखते हैं क्या होता है। ये करके दिखाओ। हां जी किने किने पैसे दे रहे ने। सिंगल का लैके मैं देंगा। चलो जी गुड शॉट गुड शॉट। एक्स गाइस थोड़ा सा टाइम की मैनेजमेंट नहीं हुई और एक्स बच गया है। अगली बारी दोबारा ले रही चले। आवाम की भरपूर फरमाइश भी अपने दिमाग अंदर भाई एक्स मारेंगे एक्स बचते हुए। लास्ट शॉट है और आपको अगर हम
दिखाएं तो आउट 107 मेरे हैं और मैं जीत चुका हूँ 75 बिलाल भाई के, 58 फाइक के और 54 हैदर भाई के। ले सर फाइनल रिजल्ट आ चुका है 107 मेरे, 75 बिलाल, 58 फाइक, 61 हैदर। तो गाइस बॉलिंग हो गई हमारी कंप्लीट, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर और मैंने ये गेम विन की और बाकी ने भाई ने भी बहुत अच्छा खेला। और नेक्स्ट अब हम मेगा जोन से निकले तो भूख लग चुकी थी लिहाजा हम पहुंचे तहजीब बेकर्स। प्रेजेंट कितनी देर में हो जाएंगे? 20 मिनट्स। ओके तो गाइस पूरे 20 मिनट के बाद भाई आपका दोबारा एंटर हुआ तहजीब बेकरी में और जाके अपने ऑर्डर जो है वो रिसीव किए। दो हमने लार्ज पिज़्ज़े ऑर्डर किए थे, एक चिकन स्मोक और एक बारबेक्यू। और मेरी नज़र में इस्लामाबाद अगर आप गए हैं आपका टूर तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक आप तहजीब बेकरी से पिज़्ज़ा ना खा लें। और जब कलेक्ट किए पिज़्ज़े तो भाई ने बताया कि अगर आप बाहर निकलते लेफ़्ट साइड पर देखेंगे तो हमने एक सेटिंग बनाई हुई है जहाँ आप बैठ कर पिज़्ज़ा खा सकते हैं। लो भाई जान ये स्मोक वाला है, ये इधर है और ये बारबेक्यू है। हाँ जी अब गाइस हम करेंगे अनबॉक्सिंग, अब हम पिज्जा की अनबॉक्सिंग करेंगे। और अनबॉक्सिंग और ये देखिए इसके अंदर से निकला है पिज्जा जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्लाइसेस है। वैसे यार ज्यादा करा लेने, खादे नहीं जाने, 6 करा लेते। और दूसरे की अनबॉक्सिंग करके ये स्मोक है और ये बारबेक्यू है और इस खाने के बाद ये कम स्पाइसी ही आपका। अब लंगर गायब करने के बाद मिलते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़े सर, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। वहाँ से रिजवान भाई हमें लेके आए चीका चीनो जहाँ उन्होंने हमें कश्मीरी चाय पिलाई जो कि बहुत मजेदार थी। तो भाई अब हम आ गए हैं चीका चीनो चाय पीने के लिए और ये एनवायरनमेंट है। तो गाइस अब हम रिजवान भाई को कहेंगे कि हमें कुछ गाना सुनाए। सदरां दे बूहे वे मैं तेरे लई खोले, होवी ना तू कदी हुण अखियां तू ओले, तेरे नाल तरना तेरे नाल डुबना तेरे नाल जीना तेरे नाल मरना, प्यार मेरा तू तकड़ी चितोलना वे प्यार मेरा तू तकड़ी चितोलना, एक दिल सी रहा मेरे कोल ना वे मैं लुटी गई आ ढोलना वे मैं लुटी गई लाया लाया। थैंक यू वाजी वाह वाजी वाह वाजी वाह वाजी वाह। गाइस हम रिजवान भाई से अभी इजाजत लेंगे और हम भी अब निकलेंगे घर को। बहुत शुक्रिया रिजवान भाई आपने हमें बहुत ज़्यादा टाइम दिया और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इट वाज नाइस टू मीट यू और वंस अगेन बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।